अगरतला हवाई अड्डा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य द्वारा सन 1942 में बनाया गया था। अगरतला हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं वाले नए टर्मिनल भवन का निर्माण दिसंबर 2021 में पूरा किया गया। आज हम बेहद गौरवान्वित हैं कि इस महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से होगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन रिमोट के बटन प्रेस के साथ पट्टिका का अनावरण करके करें। साथ ही इस परियोजना पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। दर्शिता और दृढ़ निश्चय, निर्णायक नेतृत्व और सुदृढ़ प्रयास, आत्मनिर्भर भारत के पथ प्रणेता युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गत 7.5 वर्षों की भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा के साक्षी बने हैं नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य। माननीय प्रधानमंत्री ने जिन्हें माना है भारत की अष्टलक्ष्मी, आज नॉर्थ ईस्ट सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लगातार बना रहा है नए आयाम। रेल, सड़क, जलमार्ग और हवाई अड्डे सहित फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर से सज रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट और बन रहा है न्यू इंडिया का सशक्त भागीदार। 2014 में नॉर्थ ईस्ट में 11 एयरपोर्ट थे जिनकी संख्या करीब 1.5 गुना बढ़कर 16 हो चुकी है। असम में रूपसी, सिक्किम में पाकयोंग एयरपोर्ट, अरुणाचल में तेजू और पासीघाट एयरपोर्ट लोगों को देश दुनिया से जोड़ रहे हैं। तो अरुणाचल के होलोंगी में 650 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बन रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी एयरपोर्ट के क्षमता विस्तार के लिए 500 करोड़ की लागत से न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की जरूरतों के लिए 16 नए हेलीपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। अष्ट लक्ष्मी के प्रगति को समर्पित प्रयासों का ही परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट में विमानों की आवाजाही व यात्रियों की संख्या 7.5 सालों में दोगुनी हो चुकी है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत नॉर्थ ईस्ट के एविएशन सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन को त्रिपुरा और देश को समर्पित कर रहे हैं, इससे अगरतला के एयरपोर्ट की पीक आवर कैपेसिटी 500 यात्री से करीब 2.5 गुना बढ़कर 1200 यात्रियों की हो जाएगी। इससे न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास को बल मिलेगा। नए निवेश आकर्षित होंगे, क्षेत्र के पर्यटन से लेकर स्थानीय कलाओं तक को नई पहचान मिलेगी, स्थानीय उपज व उत्पादों को बड़े बाजार मिलेंगे, स्वरोजगार व रोजगार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से एयरपोर्ट का विस्तार पहले से 3 गुना अधिक क्षेत्रफल में हो गया है। एयरो ब्रिजेस से लेकर कार पार्किंग तक, चेक इन काउंटर्स से लेकर बैगेज कन्वेयर बेल्ट्स तक, अगरतला हवाई अड्डा बेहतर यात्री सेवा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। नए टर्मिनल भवन में त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति और कला को बैम्बू प्लांटेशन, उन्नाकोटी हिल्स के ट्राइबल स्टोन स्कल्पचर्स व अन्य लोकल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही हवाई अड्डे का परिचालन पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा से करने के लिए 2 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। नए टर्मिनल भवन और नई क्षमता के साथ त्रिपुरा का अगरतला एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि का नया गेटवे बनने को पूरी तरह तैयार है।
मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूल राज्य के 100 मौजूदा उच्च एवं उच्च माध्यम विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड करने की एक नई योजना है, जिसमें अनुमानित निवेश है 500 करोड़। यह योजना सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लक्ष्य के अनुरूप है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे बटन के प्रेस के साथ पट्टिका का अनावरण करके इस योजना का शुभारंभ करें। साथ ही इस परियोजना पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एज एनश्राइंड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, त्रिपुरा हैज वेंचर्ड ऑन इट्स मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूल्स to create 100 islands of excellence for providing quality education to 1.2 lakh children. Vidya Jyoti schools will be affiliated to CBSE, spanning pre-primary to class 12 levels. These schools will be developed with an investment of rupees 500 crores on three pillars of augmenting infrastructure, igniting minds, and blooming children. In line with the Honorable Prime Minister's call to move away from marksheet-driven education, Vidya Jyoti schools will provide holistic education and assess children on individualized learning outcomes and handhold towards chosen career paths. The aspiration is to have at least 5% of the students to secure admission in institutions of national importance. On the eve of Golden Jubilee year of Tripura State, Mission 100 is people's resolve to transform the educational landscape of Tripura by fulfilling the dream of our Prime Minister to lay a strong foundation for human capital development by providing value-based 21st century ready education to children and make Tripura a truly model state in India. मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना बुनियादी सेवाओं के वितरण में सैचुरेशन स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एवं ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें विशिष्ट इंडिकेटर होंगे और बेहतर प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे बटन के प्रेस के साथ पट्टिका का अनावरण करें और इस योजना का शुभारंभ करें। साथ ही इस परियोजना पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी। Tripura is a small hilly state in northeastern region of India with a bounty of pristine beauty and natural resources. With the blessings and inspiration of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Tripura is on the way to become the fastest growing state. The soul of the state still lives in its villages, as rural population forms 73% of the total state population. Keeping this in view, the state government has formulated a new scheme called Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana MTGSY with the aim to ensure 100% coverage in delivery of the basic facilities at the doorsteps of the rural households in mission mode. The basic facilities to be provided on saturation basis are functional household tap connection, domestic electricity connection,
all weather roads, coverage under Ayushman Bharat, coverage under Ujjala Yojana, etc. Assessment and verification of the performance of the villages will be done twice in a year. State government has decided to incentivize the villages by awarding them certificates of excellence and incentive of rupees 6 lakhs. Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana envisages to emanate the true essence of Gram Swaraj in the villages of the state. अब माननीय प्रधानमंत्री जी इस भव्य सभा को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव आर्य जी, यहाँ के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बहन प्रतिमा भौमिक जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री एनसी देववर्मा जी, रत्नलाल नाथ जी, प्रणजीत सिंह रॉय जी, श्री मनोज कांति देव जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभा के नमस्कार। सकल के 2022 वर्षेर अनेक अनेक शुभेच्छा। जोतोनो खुनमुखा, जोतोनो बिसी कोताला निखा, कहां म्याफरो। साल की शुरुआत में ही त्रिपुरा को मां त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से आज तीन उपहार मिल रहे हैं। पहला उपहार कनेक्टिविटी का, दूसरा उपहार मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूलों का, और तीसरा उपहार त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना का। आज सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास यहां हुआ है। आप सभी को इन तीनों ही उपहारों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, 21वीं सदी का भारत सबको साथ लेकर सबके विकास और सबके प्रयास से ही आगे बढ़ेगा। कुछ राज्य पीछे रहे, कुछ राज्य के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे, ये असंतुलित विकास राष्ट्र के विकास के लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। त्रिपुरा के लोगों ने दशकों तक यहां यही देखा है, यही अनुभव किया। पहले यहां भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पहले जो सरकार यहां थी उसमें त्रिपुरा के विकास का
न विजन था और ना ही उसकी नीयत थी। गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। स्थिति को बदलने के लिए ही मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा HIRA, एच से हाईवे, आई से इंटरनेट वे, आर से रेलवे और ए से एयरवेज। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यहां आने से पहले मैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की नवनिर्मित बिल्डिंग और दूसरी सुविधाओं को देखने गया था। त्रिपुरा की संस्कृति, यहां की विरासत, यहां का आर्किटेक्चर, एयरपोर्ट पर उतरने वाले हर यात्री को अब सबसे पहले नजर आएगा। त्रिपुरा की प्राकृतिक सुंदरता हो, उनाकोटी हिल्स के जनजातीय साथियों की कला हो, पत्थर की मूर्तियां हो, ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर पूरा त्रिपुरा सिमट आया है। नई सुविधाओं के बाद महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की क्षमता पहले की तुलना में 3 गुना और बढ़ गई है। अब यहां दर्जन भर विमानों को खड़ा किया जा सकता है। इससे त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। जब यहां डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का, कोल्ड स्टोरेज का काम पूरा हो जाएगा तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के व्यापार कारोबार को नई ताकत मिलेगी। हमारे महाराजा वीर विक्रम जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में त्रिपुरा को नई ऊंचाई दी थी। आज वो त्रिपुरा का विकास होते देखकर, यहां के लोगों के प्रयासों को देखकर बहुत खुश होंगे। साथियों, आज त्रिपुरा की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ ही इसे नॉर्थ ईस्ट के गेटवे के रूप में विकसित करने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। रोड हो, रेल हो, एयर हो या फिर वाटरवे कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश हमारी सरकार कर रही है उतना पहले कभी नहीं हुआ। अब त्रिपुरा इस क्षेत्र में व्यापार कारोबार का नया हब बन रहा है, ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है। रेल और रोड से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिविटी ने यहां का कायाकल्प करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार अगरतला अखौरा रेल लिंक को भी तेजी से पूरा करने का प्रयास कर रही है। भाई और बहनों, केंद्र और राज्य में जब विकास को सर्वोपरि रखने वाली सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल, डबल इंजन की सरकार यानी भरपूर संवेदनशीलता, डबल इंजन की सरकार यानी
लोगों के सामर्थ्य को बढ़ावा, डबल इंजन की सरकार यानी सेवा भाव, समर्पण भाव, डबल इंजन की सरकार यानी संकल्पों की सिद्धि और डबल इंजन की सरकार यानी समृद्धि की तरफ एकजुट प्रयास। आज यहां जिस मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हो रही है वो इसी का एक उदाहरण है। जब हर घर में नल से जल का कनेक्शन होगा, जब हर गरीब के पास पक्की छत होगी, और अभी मैं कुछ लाभार्थियों से मिलकर के आया, उनका खुद का अनुभव क्या है इस योजनाओं से उसको समझने का मैं प्रयास करता था। लेकिन एक बेटी जिसको घर मिलना तय हुआ है, अभी तो सिर्फ फ्लोर का ही काम हुआ है, अभी दीवारें बाकी है, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसकी आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे थे। ये खुशी ये सरकार जन सामान्य की खुशी के लिए समर्पित है। जब हर पात्र परिवार के पास आयुष्मान योजना का कार्ड होगा, एक ऐसा परिवार मुझे मिला जहां मां और नौजवान बेटा दोनों को कैंसर हुआ था, आयुष्मान भारत योजना के कारण मां की जिंदगी, बेटे की जिंदगी, उसको उपयुक्त सारवार मिल पाई। जब हर गरीब के पास बीमा सुरक्षा कवच होगा, जब हर बच्चे के पास पढ़ने का अवसर होगा, हर किसान के पास केसीसी कार्ड होगा, हर गांव में अच्छी सड़कें होगी, तो गरीब का आत्मविश्वास बढ़ेगा, गरीब का जीवन आसान बनेगा, मेरे देश का हर नागरिक सशक्त होगा, मेरा गरीब सशक्त होगा। यही आत्मविश्वास समृद्धि का आधार है, संपन्नता का आधार है। इसलिए ही मैंने लाल किले से ये कहा था कि अब हमें योजनाओं के हर लाभार्थी तक खुद पहुंचना होगा, योजनाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा ने इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऐसे साल में जब त्रिपुरा अपने पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव और गरीब के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में त्रिपुरा पहले ही देश के अग्रणी राज्यों में है। ग्राम समृद्धि योजना त्रिपुरा के इस रिकॉर्ड को और बेहतर बनाएगी। 20 से अधिक मूल सुविधाएं हर गांव, हर गरीब परिवार को मिले, ये सुनिश्चित किया गया। मुझे ये बात भी पसंद आई कि जो गांव 100% लक्ष्यों को पहले हासिल करेंगे उनको लाखों की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे विकास के लिए एक स्वस्थ स्पर्धा भी विकसित होगी। साथियों, आज त्रिपुरा में जो सरकार है वो गरीब का दुख भी समझती है और गरीब के लिए संवेदनशील भी है। हमारे मीडिया वाले साथी इसकी बहुत चर्चा नहीं करते, इसलिए मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब त्रिपुरा में पीएम आवास योजना ग्रामीण, उस पर काम शुरू हुआ तो एक मुश्किल आई। कच्चे घर की सरकारी परिभाषा से पहले जो सरकार यहां थी उसने व्यवस्था बनाई थी कि जिस घर में लोहे की चादर से बनी छत होगी उसे कच्चा घर नहीं माना जाएगा। यानी घर के अंदर की सुविधाएं भले ही जर्जर हो,
दीवारें मिट्टी की हो लेकिन छत पर लोहे की चादर होने भर से उस घर को कच्चा नहीं माना जाता था। इस वजह से त्रिपुरा के हजारों ग्रामीण परिवार पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित थे। मैं प्रशंसा करूंगा मेरे साथी बिप्लव देव जी की, क्योंकि वो इस विषय को लेकर के मेरे पास आए, केंद्र सरकार के सामने उन्हें सारी जीत चीजें उन्होंने रखी, सबूतों के साथ रखी। इसके बाद भारत सरकार ने भी अपने नियम बदले, परिभाषा को भी बदल दिया और इस वजह से त्रिपुरा के 1,80,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर का हकदार बनाया गया। अभी तक त्रिपुरा के 50,000 से अधिक साथियों को पक्का घर मिल भी चुका है। 1.5 लाख से अधिक परिवारों को हाल में ही अपना घर बनाने के लिए पहली किस्त भी जारी की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पहले की सरकार कैसे काम करती थी और हमारी डबल इंजन की सरकार कैसे काम कर रही है। भाई और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए साधनों संसाधनों के साथ ही वहां के नागरिकों का सामर्थ्य भी इतना ही जरूरी है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां हमसे भी ज्यादा सामर्थ्यवान बने, ये समय की मांग है, बहुत आवश्यक है। 21वीं सदी में भारत को आधुनिक बनाने वाले दूरदृष्टा नौजवान मिले, इसके लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसमें स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर भी उतना ही जोर दिया जा गया है। त्रिपुरा के विद्यार्थियों को अब मिशन 100 विद्या ज्योति अभियान से भी मदद मिलने वाली है। स्कूलों में सैकड़ों करोड़ रुपए से बनने वाली आधुनिक सुविधाएं पढ़ाई को और आसान और सुलभ बनाएगी। विशेष रूप से स्कूलों को जिस प्रकार अटल टिंकरिंग लैब, आईसीटी लैब्स और वोकेशनल लैब से लेस किया जा रहा है, वो इनोवेशन, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न से युक्त आत्मनिर्भर भारत के लिए त्रिपुरा के युवाओं को तैयार करेगा। साथियों, कोरोना के इस मुश्किल कालखंड में हमारे युवाओं को पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। कल से देश भर में 15 साल से 18 साल की आयु के किशोरों को मुफ्त टीकाकरण का अभियान भी शुरू किया गया है। विद्यार्थी निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर पाए, अपनी परीक्षाएं बिना किसी चिंता के दे पाए, ये बहुत आवश्यक है। त्रिपुरा में तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। 80% से ज्यादा लोगों को पहली डोज और 65% से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि 15 से 18 साल के युवाओं के संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य भी त्रिपुरा तेजी से हासिल करेगा। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार गांव हो शहर हो, संपूर्ण और स्थायी विकास के लिए प्रयास कर रही है। खेती से लेकर वन उपज और सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर सभी क्षेत्रों में जो काम हो रहा है वो भी हमारी इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छोटे किसान हो, महिलाएं हो या फिर वनोपज पर निर्भर हमारे जनजातीय साथी, आज इन्हें संगठित कर एक बड़ी ताकत बनाया जा रहा है।
आज अगर त्रिपुरा पहली बार मूली बैंबू कुकीज जैसे पैकेज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसके पीछे त्रिपुरा की हमारी माताओं बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प देने में भी त्रिपुरा एक अहम भूमिका निभा सकता है। यहां बने बांस के झाड़ू, बांस की बोतलें, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा बाजार देश में बन रहा है। इससे बांस के सामान के निर्माण में हजारों साथियों को रोजगार स्वरोजगार मिल रहा है। बांस से जुड़े कानून में बदलाव का बहुत अधिक लाभ त्रिपुरा को मिला है। साथियों, यहां त्रिपुरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी अच्छा काम हो रहा है। पाइनएप्पल हो, सुगंधित चावल हो, अदरक हो, हल्दी हो, मिर्च हो, इससे जुड़े किसानों के लिए देश और दुनिया में आज बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। त्रिपुरा के छोटे किसानों की ये उपज आज किसान रेल के द्वारा अगरतला से दिल्ली समेत देश के कई शहरों तक कम भाड़े में कम समय में पहुंचा रहा। महाराजा वीरबिक्रम एयरपोर्ट जो बड़ा कार्गो सेंटर बन रहा है, इससे यहां के ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद विदेशी बाजारों तक भी आसानी से पहुंचने वाले हैं। साथियों, विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी रहने की त्रिपुरा की जो आदत बन रही है, उस आदत को हमें बनाए रखना है। देश का सामान्य मानवी, देश के दूर सुदूर कोने में रहने वाला व्यक्ति देश के आर्थिक विकास में साझेदार बने, सशक्त बने, सबल बने, यही हमारा संकल्प है। इसी संकल्पों से प्रेरणा लेते हुए हम और दोगुने विश्वास के साथ काम में जुटेंगे। आप लोगों का प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। और मैं आज एयरपोर्ट से यहां तक आया, मैं देख रहा था रास्ते भर अबाल वृद्ध सब आशीर्वाद दे रहे थे। आपका ये प्यार मैं आपको डबल इंजन की ताकत के हिसाब से आपके इस प्यार को डबल विकास करके लौटाऊंगा। और मुझे विश्वास है जितना प्यार और स्नेह त्रिपुरा के लोगों ने हमें दिया है वो आगे भी मिलता रहेगा। आपको एक बार फिर इन विकास योजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मां त्रिपुरा सुंदरी निकट आपनार परिवारेर समृद्धि ও রাজ্যের সার্বিক বিকাশ কামনা করছে। সকলকে ধন্যবাদ। যতনো হম্বাই, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुमूल्य वक्तव्य के साथ ही आज का यह भव्य कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है। त्रिपुरावासी हिसेबे आमरा आजकेर ए विशेष दिनटीर जन्य सम्मानित बोध करछी।